आज हमारे चैनल का, जैसा कि आपको पता है कि यूपी जीके आज चैनल का नाम है नेक्स्ट टारगेट, और आज यूपी पुलिस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके लिए लाए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल सिलेबस के आधार पर है और बिल्कुल एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट है कि इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं बनते हैं और बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं, बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो कृपया एग्ज़ाम देने जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस जो है वो टेक्स्ट बुक से प्रूव हैं, टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। खुद ही ऐसे ही कहीं से क्वेश्चंस नहीं उठाए गए हैं, ठीक है? तो बिना टाइम आपका बर्बाद किए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक बताना है। कैंडला है, एम्पलीफायर है, एम्पियर है या कैल्विन है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई का एम्पियर होता है, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये बात, ठीक है? अगला है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत कौन सा मानहानि का अपवाद नहीं है? ठीक है, तो लोक सेवक का सार्वजनिक आचरण ये अपवाद है मानहानि का। लोक सेवक का सार्वजनिक आचरण के आधार पर उस पर मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता है, विद्वेषपूर्ण कथन है। अगला, किसी भी सार्वजनिक प्रश्न को पूछने वाले किसी भी व्यक्ति का आचरण न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन, इसका राइट आंसर है विद्वेषपूर्ण कथन। जो विद्वेषपूर्ण कथन है वो 499 के अंतर्गत मानहानि का अपवाद नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है। तो हॉकी खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है। यूपीपी जीके क्वेश्चन है भाई हमारे चैनल के द्वारा नेक्स्ट टारगेट, ठीक है? अगला है, कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राणा के संपर्कों से संबंधित है? मतलब पूछा है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणाओं से भी संबंधित होती थी। तारिक उस सिंध, कामिल उत नासिर, ताजुल नासिर, पद्मावत, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसे आप सभी बता सकते हैं, विष्णु की, पशुपति शिव की, इंद्र की या ब्रह्मा की? तो ये है पशुपति शिव की पूजा जो करते थे और मातृदेवी की पूजा करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगला है, आकाशीय बिजली किसके कारण होती है? तो आकाशीय बिजली किसके कारण रहती है? तूफान, पवन, विद्युत निर्वहन या वर्षा? तो आकाशीय बिजली जो है वो विद्युत निर्वहन के कारण होती है। हमारे चैनल नेक्स्ट टारगेट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगला है, भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? ठीक है, तो 1948, 1950, 1947, 1955, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइए। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था सन 1950 में, भारत को गणतंत्र घोषित सन 1950 में किया गया था, ठीक है, भारत को सन 1950 में गणतंत्र घोषित किया गया था। अगला है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ सार्क का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारी संघ, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशिया सहयोगी, क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई संघ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे सार्क का पूर्ण रूप से पूर्ण फॉर्म है, ठीक है। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको बताना है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। अगला, निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो
तो ग्रैमी अवार्ड 2024 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे मार्क करिएगा। ये करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आने की संभावना है। तो ग्रैमी अवार्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिली इलिश व्हाट वॉस आई मेट फॉर, माइली साइरस फ्लावर, टेलर स्विफ्ट एंटी हीरो या विक्टोरिया मॉनिटर ऑन माई मामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइली साइरस जिनकी रचना फ्लावर्स है उसको जो है वो ग्रैनी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 की संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 इसे भी इम्पोर्टेंट मार्क करिएगा, ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। तो विधवा पुनर्विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में आत्माराम पांडुरंग, आर जी भंडारकर, द्वारकानाथ टैगोर या महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, अगला है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। किसका? करंट का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, क्या है, विश्व एड्स दिवस 2023 की थीम क्या थी ये पूछा गया है। एड्स के विरुद्ध मजबूती से खड़े रहना, प्रगति पर चिंतन, एड्स सहित विश्व के लिए प्रयास करना, ये ज्ञान ही शक्ति है, परीक्षण कराओ, अपनी शक्ति जानो या समुदायों का नेतृत्व करने दें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो एड्स दिवस 2023 की थीम थी, समुदायों को नेतृत्व करने दें। अगला है, थॉमस एल्वा एडिशन ने किस चीज़ का आविष्कार किया था ये आप सबको पता होना चाहिए। तो विद्युत चुंबक, विद्युत बल्ब, सर्किट या MCB। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है, अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी या हरित पादप। का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अगला है, नंदकिशोर सिंह वित्त आयोग के कौन से अध्यक्ष बने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नंदकिशोर सिंह वित्त आयोग के अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, तो वे कौन से अध्यक्ष हैं, 14वें, 15वें, 14वें, 13वें या 11वें। तो इसका राइट आंसर है 15वें। आपसे क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप बताना, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील स्थित है। रूपकुंड झील से भी झीलों से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो रूपकुंड झील कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपकुंड झील जो है वो केरल, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहाँ पे स्थित है। तो रूपकुंड झील जो है वो रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, अगला है, कोशिका की वृद्धि किसके नियंत्रण में होती है। अर्थात कोशिका की वृद्धि कौन से कौन नियंत्रित करता है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। केंद्रक, गॉल्जी कैय, रसथानी या माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका वृद्धि जो है वो केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुँच नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान। यह है ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। यूएई की राजधानी क्या है, सियोल, अबू धाबी, ब्राजीलिया, ब्रुसेल्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी। जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है, 373 केल्विन, 371 केल्विन, 377 केल्विन या 375 केल्विन। तो जल का सामान्य क्वथनांक 373 केल्विन होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।